कभी अगर मौका मिल जाए एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक। एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझी नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, बारह महीने कोई सी भी शिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला।